क्या हुआ दादो? फिर परी ने नन्हे से मुन्ने को जोनू की अम्मी को दिया और फिर दोबारा चांद पर चले गए। तो क्या वो परी चांद पर रहती थी? हाँ ना, वही तो रहती है। तो क्या हर मुन्ने को वो परी लेकर आती है? हाँ, मेरब को भी परी लाई थी। कैसे? एक प्यारी सी टोकरी में। आपने तो कहा था कि परी दादाजान को लेकर गई है। हाँ ना, वही दूर चांद पर। परी, तुम दादाजान को वापस ले आओ ना। अब दादाजान वापस नहीं आएंगे, अब वो परी के बाग में रहते हैं। परी उन्हें झूले भी देती है। हाँ, मुझे भी परी से मिलना है दादो। जब मेरे अब सो जाएगी तो फिर आएगी परी मिलने। अच्छा, तो अगर मैं सो जाऊंगी तो परी आएगी, अपने बाग की सैर करवाएगी, मुझे भी झूले देगी। हाँ। आधीरा जब हो जाती है, जब दुनिया सो जाती है, तारों से शहजादी उतर के मुन्नी के घर आती है। नीचे नीचे सारे सपने अपने साथ बुलाती है, सोई मुन्नी की पलकों पे वो सपने सजाती है। सरहाने वो आए भोले से वो गाए। दादो, जुबैदा, अम्मा के कपड़ों का थैला लेके जल्दी नीचे आओ, किसी काम की नहीं है। जुबैदा, सुन रही हो कि नहीं? तुम पता नहीं वॉलेट कहाँ रख दिया मैंने। मम्मा, दादो कहाँ है? मम्मा, दादो वहाँ क्यों लेटी हुई हैं? दादो बीमार है ना, इसलिए। जावेद। नेहा, नेहा मैं थक गया हूँ। नेहा, जब से अम्मा अस्पताल दाखिल हुई है मैं सारी रात ड्यूटियाँ दे रहा हूँ, दफ्तर भी जाना है मैंने। लेकिन आपने तो फोन किया था कि अरसलान आएगा और आप मेरे साथ घर चलेंगे। किधर है, नजर आ रहा है तुम्हें? सामने ही है तुम्हारे। पता नहीं किस हालत में होंगे। अरसलान, तुम्हें 12 बजे आना कहा था ना मैंने। भाई मैं क्या करूं, मुझे जब ऑफिस से छुट्टी होनी थी मैंने तभी आना था ना आपके पास। ठीक है, आज तुम ड्यूटी दो फिर। भाई मैं ड्यूटी नहीं दे सकता, मेरा कल ऑफिस है और वैसे भी कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं फ्रेश माइंड के साथ ऑफिस जाना चाहता हूँ। और मेरी भी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है, 2 हफ्ते से मिस कर रही हूँ, इस बार नहीं कर सकती। तो अम्मा क्या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, तुम लोग क्यों कुछ नहीं रखती है क्या? आप लोग यहाँ क्यों लड़ना शुरू हो गए? तो हम उससे बात करें और इस मसले का हल निकालें। हल कोई नहीं इसका नेहा, मैं ये डबल ड्यूटियाँ नहीं दे सकता हूँ, मैंने दफ्तर जाना होता है सारी सारी रात यहाँ पे। तो फिर उन्हें घर ले चलते हैं। क्या क्या कह रही हो फातिमा? मैं ये कह रही हूँ कि अम्मा वैसे भी कोमा में है और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है, तो फिर क्यों हम बगैर वजह ड्यूटियाँ दें? ठीक ही तो कह रही है भाई, और अस्पतालों में ड्यूटी देना भी आसान काम नहीं है, हम सबका इतना बिजी स्केड्यूल है, कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ? लेकिन अम्मा को घर ले जाना ठीक होगा? और कुछ आ रहा नहीं है नेहा, जितनी उनकी थोड़ी बहुत जिंदगी बची है घर पे ही देख लेंगे। Thank you.
नेहा, जुबैदा से कहकर अम्मा का बखाना तो साफ करवा दिया करो, पता नहीं कब का किया हुआ उन्होंने, पूरे कमरे में स्मेल फैली हुई है। मैंने तो उन्हें सुबह ही बोल दिया था, क्या फिर कर दिया क्या? उसे मैंने ही भेजा है जुबैदा को काम से अपने। हाँ तो फिर कसूर तुम्हारा हुआ ना, मुझे बता ही देती। अब जाके अम्मा को देखो, मुझे इसके बाद खाना भी पकाना है। मुझसे ऐसे काम नहीं होते भाई, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। पता है मुझे और जावेद को ही कुछ नहीं होता, मसले तुम्हारे और अरसलान के साथ ही हैं। तुम दोनों जरा सी भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हो। उठा तो रहे हैं, और कितनी उठाएं? कौन उठा रहा है सारे खर्चे? हाँ, अम्मा को ना इस घर में आए हुए 2 दिन हुए, अरसलान तब से खर्चा उठा रहा है उनका। पिछले 1 हफ्ते से जो अम्मा अस्पताल में थी, हम जो पैसे लगा रहे थे वो तुम लोगों को नजर नहीं आया, उसके बारे में तो कभी नहीं पूछा तुम लोगों ने। देखो नेहा, बात कहीं की कहीं जा रही है, बेहतर ये होगा कि मिलके हिसाब कर लें, हर चीज़ आधी आधी कर लें। आज मिलके बैठते हैं चारों और फिर डिसाइड कर लेते हैं, सिंपल। हाँ, जो करना है कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है, अभी मैं नहीं जा सकती बस। हाँ तो फिर ठीक है, पड़ी रहने दो उन्हें, आएगी जुबैदा शाम को खुद ही कर लेगी साफ, और वैसे भी कौन सा उनके हवा सलामत है जो भी स्मेल आती होगी। तो ठीक है फिर, 20,000 ही निकले ना मेरी तरफ, दे दूंगा मैं जब तनख्वाह मिलेगी। क्या कह रहे हो अरसलान, हमने भी तो कितने पैसे खर्च किए हैं, हमें क्या पता था आखिरी वक्त पे बिल ला के रखने पड़ेंगे। देखो मैं तुम लोगों से पैसे नहीं मांग रहा हूँ, आप दोनों ने शोर मचाया हुआ था कि सारे खर्चा आपका हो रहा है ना, तो सारी रिसीद दें ताकि आपको पता चले कि हम दोनों ने क्या किया हुआ है। तो बस हो गया मसला हल, 1 हफ्ते की दवा दारू अरसलान करेगा और 1 हफ्ते की जावेद, बात खत्म। ऐसे कैसे बात खत्म? क्या मतलब? मतलब ये कि जब सारी चीजें आधी आधी हो ही रही हैं, तो फिर अम्मा की बाकी भी चीजें आधी आधी करो ना। तुम क्या कहना चाह रही हो? अम्मा का जेवर, उनके कमरे में पड़ा हुआ सारा फर्नीचर, उनकी सारी कीमती चीजें, वो भी तो आधी आधी करो ना। कितनी चीजें तो भाभी के इस्तेमाल में पड़ी हुई हैं, कल को उनको कुछ हो जाए, कोई क्या क्या रख ले, किसी को क्या पता चलेगा। मैं मानती हूँ मैंने अम्मा से सेट लिया था बहन की शादी के लिए, फिर उनकी तबीयत खराब हो गई तभी मेरे पास पड़ा हुआ है, वरना कब का उनको लौटा दिया होता। भाभी फातिमा बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है, और मेरी बात मानो, जिस चीज के पास अम्मा का जो जो सामान मौजूद है सब का सब सामने रखो, उसके बाद कर लो आधा था। लेकिन ठीक है ठीक है, तुम दोनों फिर अम्मा के तदफीन की तैयारियां कर लो, ताकि ऐन मौके पे किसी एक पे ना सब टूटे। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, आजकल मरना कौन सा सस्ता है, कफन, कब्र की खुदाई, खत्म की देगे, पिछले हफ्ते मामू मरे थे, 1.5 लाख लग गया था। तो ठीक है फिर, अगर सब कुछ डिसाइड हो ही गया है तो मैं कल ही कोर्गन से जाके सारा हिसाब लगवा लेता हूँ। अम्मा की सांसें अभी भी चल रही हैं। नीरव, ये क्या कर रही हो? मैं अपना गल्ला ढूंढ रही हूँ। मिल गया। ये क्यों चाहिए आपको अभी? मम्मा, जब बड़ी दादू को लेने आएगी तो मैं उसे ये दे दूंगी, कहूंगी ये ले लो, लेकिन दादू को ना ही लेके जाओ। आप एक काम क्यों नहीं करते हो, आप दादू के लिए दुआ करो ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो क्या वो जाग जाएंगी और कहानियां भी सुनाएंगी? क्यों नहीं, चलो सोने का टाइम हो गया है, मेरी गुड़िया थक गई होगी ना। दादू, मैं चुपके पड़ेगा इंतजार करूंगी, फिर वो आपको जब लेने आएगी तो उसे सारे पैसे दे दूंगी, फिर वो आपको नहीं लेके जाएगी।
दादो 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 कहाँ जा रही हैं? मेरी गाड़ी आ गई है, मैं जा रही हूँ। परी की गाड़ी? हाँ। मत जाओ ना दादो, मैं परी को अपने पैसे दे दूंगी, फिर वो आपको नहीं लेके जाएगी। मेरे जाने का वक्त आ गया। आप चली गई तो मुझे कहानियाँ कौन सुनाएगा? मेरे आपको कहानी सुननी है? मामा अच्छी कहानियाँ नहीं सुनाती। अच्छा चलो, आज मैं अपनी गुड़िया रानी को एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा। क्या? इस कहानी को संभाल के रखना यहाँ पर। प्रॉमिस। शुरू करें। एक बादशाह था, उसके बहुत ज्यादा बेटे और बहुत ज्यादा बेटियां थी और ढेर सारे खजाना। और एक दिन परी बादशाह को लेने आई, वो परेशान हुआ। उसने फिर कहा कि मैं ये खजाना अपने बच्चों में बांट देता हूँ। लेकिन एक बक्सा था। बक्सा? हाँ, काले रंग का बक्सा। फिर बादशाह ने मुझे बुलाया और बक्सा मुझे दे दिया और कहा कि इस बक्सा को गुम मत करना, गुम हो गया खजाना खो गया। फिर परी आई और वो बादशाह को ले गई। मुझे भी वो बक्सा देखना है दादो। मेरब को ढूंढना पड़ेगा। कहाँ? बक्सा तो मेरे पास है, मगर ढूंढूंगी तब जब मेरब उसको संभाल के रखेगी। संभाल के रखूंगी, गुम नहीं करूंगी। मीरब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या है? उफ अल्लाह, मैंने तो सामान छुपा छुपा के रखा हुआ है। अरसलान, अरसलान, आके देखे आपकी अम्मा ने क्या सामान छुपा छुपा के रखा हुआ है। जरूर अम्मा ने अपने पुराने जेवर इसी में छुपा के रखे होंगे, मैं भी कहूँ सारा जेवर गया किधर। क्या हो गया फातिमा, क्यों इतनी रात को चिल्ला रही हो? अपनी अम्मा के काम देखे, सामान छुपा छुपा के रखा हुआ है। अब क्या मिल गया तुम्हें? देखे मेरा फोटो साइड से। ये क्या हो रहा है इधर भाई? ये फातिमा को कुछ सामान वगैरह मिला? अम्मा ने सामान छुपा छुपा के रखा हुआ था। खोलो इसे। खोलने की क्या जरूरत है, मैंने ढूंढा है, मैं ही रखूंगी। पागल पागल तो नहीं हो गई हो? क्या बच्चों वाली बात कर रही हो? इसमें बच्चों जैसी बात क्या है, आज तक अभी किसी को मिला ये? मुझे मिला है, अब मैं ही रखने वाली। बस कर दो फातिमा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मसले का हल निकालते हैं, इसमें जो कुछ निकलेगा अदालत कर लेंगे। मगर ये फातिमा, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बक्सा खुलेगा और जो कुछ भी निकलेगा वो हम सब अदालत कर लेंगे। ये तो ये क्या, अम्मा ने तो बड़ा कबाड़ जमा करके रखा हुआ है। मैं तो समझी थी कि हद है। वैसे अम्मा की मेडिसिन खत्म हो गई, लेके आती हूँ। ये तस्वीर भाई, याद है आपको जब हम स्वाद गए थे? आप, मैं, अब्बा, अम्मा। और ये अबू का लेटर,
जो अम्मा को सऊदी से लिख के भेजते थे। मुझे लगा नेहा ने सब फेंक दिया होगा। ये देखें, ये मेडल, ये ट्रॉफियां, जब हम हर हफ्ते क्रिकेट का मैच जीत के आते थे, मुझे तो कभी ध्यान नहीं रहा इनका। और ये स्वेटर, मुझे कितना पसंद था ये स्वेटर। अम्मा ने अब तक संभाल के रखा हुआ था। ये तो वही स्वेटर है ना जो आप हर ईद और त्योहार पे पहना करते थे। मगर ये तो ये बटन, ये किताबें, स्टैम्प की कलेक्शन, ये कितना शौक था इनका। खो गया सब कुछ? नहीं भाई, हमने खो दिया। अम्मी, अम्मा, गुड बाय दादू।